वाई यू नॉट पे, उसके घर तोड़ने जाओगे या तोड़वाएंगे हम, उसको सुने भी ना। जिसके खिलाफ ऑर्डर पास करना है उसको सुनवाई का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आपकी कोई इससे जो मकान मालिक है अपोजिट पार्टी की, उससे कोई दुश्मनी है क्या? व्यक्तिगत दुश्मनी है आपकी? एक बात बता दें, अगर ऐसा करेंगे ना तो पूरे शहर के घर टूट जाएंगे। एक आदमी अपना घर कैसे बनाता है आपको मालूम है? कि हम हाईकोर्ट है, कंटेम अपने हिसाब से डील करेंगे। वी आर नॉट सम योर स्टूडेंट्स। आपका घर तोड़वाएं, शहर के बिलासपुर के सारे मकान जितने बड़े बड़े सब तोड़वा देते हैं। आप अपने घर में खुश रहो, वो अपने घर में खुश रहेगा। और क्यों तोड़ेंगे? ये कितना पैसा खर्चा करके बनाया होगा आदमी, अपने अपनी अपनी प्रॉपर्टी बनाया ना। आपका घर टाउन एंड प्लानिंग से अप्रूव्ड है ना जी। मंगाइए नक्शा, मंगाइए और उसमें जितना एक्सेस होगा मैं तोड़ने का डायरेक्शन देता हूँ। फिर आपकी कौन सी बिल्डिंग अप्रूव्ड है बताइए जरा घर की। चलिए आज आप बता दीजिए कौन से घर आपका घर का बता दीजिए अप्रूव मैप से बना है क्या। हर इनके घर को नेस्तबूत करवा देंगे मिस्टर सदाकर। जब आदमी पावर रहता है तब सब उसको दिखता है ऐसे ही। आज हम आपके घर को तोड़वाते हैं तो इनकी बाउंड्री निकलवाओ, इनकी इनका भी पेपर बुलाओ भाई, ये कितना बनाया कितना नहीं बनाया इसको भी तोड़ेंगे। फिर हम किसी का घर आदमी का जी रहा है उसको जीने नहीं दोगे क्या भाई? क्या आदेश था हाई कोर्ट का? देयर वाज अ डायरेक्शन टू डिसाइड माय कंप्लेंट एज पर द रूल मालवा। हाँ आई मेड। आप कौन है? मैं सीएमओ सर। क्या नाम है? सतीश कुमार यादव सर। हाँ मिस्टर यादव जी सर, व्हाट वाज द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट? सर कोर्ट ने ये आदेश दिया था 3 महीने के भीतर उसका अतिक्रमण हटाया जाए करके, तो उसके आधार पे हमने उसको नोटिस दिया जो दूसरे पक्ष को। हाँ। दूसरे पक्ष को नोटिस दिए तो उसने 15 दिन का समय मांगा। हाँ। और वो भी कोर्ट में आ गया। हाँ। और उसने उसके कोर्ट में उसने आदेश दिया कि इसको तोड़ा ना जाए, इसको जो भी निमितीकरण हो सकता है या जो भी हो सकता है पेनाल्टी लगाते उसको रेगुलाइज किया जाएगा। हाँ। तो उसके आधार पे फिर हमने फिर से अपने नियम में देखा सर, तो नियम में नहीं हो पाएगा बोले। हाँ। तो उसको फिर से नोटिस दिया कि आपका नहीं किया जा सकता, तो फिर तोड़वाने के लिए अपन कार्रवाई की है सर उसमें। तो कितना तोड़वाए? और अच्छा ये बताओ कितनी जमीन जो है कि वो अतिक्रमण थी और कितनी ना अतिक्रमण से भारतीय जनता, इसका विवरण बताइए तो हमें। और वाली पिटीशन कौन सी है मिस्टर चंद्राकर जिसने अपोजिट पार्टी ने लगाया? ये मतलब उसमें मेरे को पार्टी नहीं बनाया थी उन्होंने। अरे वो सब छोड़िए, R3 मैंने फाइल किया है ऑर्डर देखिए 1679 WPC नहीं दैट हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ डायरेक्टिंग विलोशिप इज माय लॉर्ड में काइंडली अवेलेबल पेज 10 ऑफ माय रिप्लाई गिवन द सेट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस लेट द पिटिशनर अप्रोचेस द रिस्पोंडेंट नंबर 3 बाय सबमिटिंग अ डिटेल्ड रिप्लाई टू द इंप्यूंग नोटिस इन द रिप्लाई द पिटिशनर मे रिक्वेस्ट द रिस्पोंडेंट नंबर 3 टू गेट द कंस्ट्रक्शन ड्यूली मेजर्ड एंड वेरीफाइड द पिटिशनर मे ऑल्सो रिक्वेस्ट द रिस्पोंडेंट नंबर 3 for taking appropriate steps for regularization of excess construction if any raised by the petitioner. And Mr. what is your problem? Why are you piche pade? Yes, inka sir, mera easementary right ja raha hai. My lord, there was an order to measure. Easementary right to civil suit mein jayega, bhai yahan kyun aayega? Civil suit jayega sir. They have replied that the order of this honorable court has been complied. Are ruko Mr. Chandrakar, hame malum hai kya karna hai kya nahi karna hai. Aap humko mat sikhao, hum to malum hai. Yes Mr. Yadav, we know everything, don't worry. My lord. Yes. Easement के लिए कैसा ये कंटेंट बनता है आपको भी मालूम है, बनता होता नहीं है, ब्लैकमेलिंग है आपकी। No, no, sir. अरे चंद्राकर साहब ज्यादा मत बोलिए आप, इनकी कंप्लेंट देख लें लेंगे कंप्लेंट में मत बोल, आप ही चुप रहो मिस्टर देवर। आप हम कंटेंट में ना हम बार बार बोल रहे हैं, आप लोग जरा हमको शांति से करने दो। कंटेंट में अगर ज्यादा बोलोगे तो मैं उठा के सब कुछ रोक दूंगा। कंटेंट मैटर में हम अपने आप सब चलाएंगे कोर्ट। मिस्टर यादव जी सर, आप ये बताओ इनकी जमीन कितनी थी जो अपोजिट पार्टी है उसको नोटिस हुई कि नहीं? विमल को नहीं है नोटिस दिए सर? नहीं नहीं, ये आप इसमें नोटिस गई कि नहीं सर? वो पार्टी नहीं इसमें। ये विमल कौन है? पार्टी क्यों नहीं बनाया सर? पार्टी क्यों नहीं बनाया आपने? सर, क्यों नहीं बनाया पार्टी? डायरेक्टर अथॉरिटी पे उसके घर तोड़ने जाओगे या तोड़वाएंगे हम, उसको सुने भी ना सर? उन्होंने रिट पिटीशन फाइल हमारे यहाँ काम चलेगा, दूसरे क्या क्या हुआ हमें मतलब नहीं है मिस्टर। आई विल मूव एप्रोप्रिएट। क्यों नहीं बनाओगे पार्टी उसको? उसका घर हम ऐसे छोड़ देंगे क्या? फॉर द डायरेक्शन वाज नो, आई विल मूव एन एप्लीकेशन माय लॉर्ड। एंड व्हाई हाउ दी दिस पिटीशन वाज इंटरटेन विदाउट इंप्लीटिंग हिम एज अ पार्टी? ही वाज पार्ट इन माय रिट पिटीशन। देन व्हाई नॉट इन द कंटेंट प्रोसीडिंग्स? सिंस द डायरेक्शन वाज फॉर नो नो इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर। आई विल मूव एप्रोप्रिएट। ये हाइड एंड सीक की वकालत मत कीजिए। जिसके खिलाफ ऑर्डर पास करना है उसको सुनवाई का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मिलेगा। आई विल मूव द एप्लीकेशन माय लॉर्ड।
दस बार आप ही लोग बोलते सब विदाउट अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग हमने ऑर्डर पास कर दिया, हमने ऑर्डर पास कर दिया सबॉर्डिनेट अथॉरिटीज ने, इसको वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल और हम ही लोग वायलेशन करें सर, आई विल मूव एन एप्लीकेशन, देन यू आर मेकिंग अस टू डू दी इलीगल थिंग्स, नो माय रिपीटेशन माय लॉर्ड, ही वाज पार्टी ही मूव्ड एन एप्लीकेशन विदाउट एप्लीकेशन, उससे हमें मतलब नहीं, हमें प्रोसीजर पार्ट से बताइए मतलब सर, मैं आई विल मूव एन एप्लीकेशन फॉर व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यस माय लॉर्ड, अपॉर्चुनिटी ऑफ इनके खिलाफ हम ऑर्डर पास कर दें तोड़ने का और ये और इनको सुनवाई का मौका ही ना दे, आई विल मूव एन एप्लीकेशन मार्क, ये क्या ये चीज है, वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। यस मिस्टर यादव, कितनी जमीन की इलीगल कंस्ट्रक्शन थी सर? ये सामने में सर इसको 3 मीटर छोड़ना था सर, तो इसने 2 मीटर छोड़ा, 1 मीटर कम छोड़ा है, और पीछे तरफ 2 मीटर छोड़ना था तो उसने नहीं छोड़ा है। और मिस्टर एक बार बताओ, आपकी कोई इससे जो मकान मालिक है अपोजिट पार्टी की, उससे कोई दुश्मनी है क्या, व्यक्तिगत दुश्मनी है आपकी? एक बार बता दें, अगर ऐसा करेंगे ना तो पूरे शहर के घर टूट जाएंगे, आपकी जो नेतागिरी का आइटम है और कुछ नहीं। अरे आप ये बताओ, किस कानून के तहत कंस्ट्रक्शन बनते घर के? एक आदमी अपना घर कैसे बनाता है आपको मालूम है? फालतू की केवल ब्लैकमेलिंग की स्ट्रेटजी और कुछ नहीं है ये सर। जुलाई में उन्होंने रिप्लाई दी, अरे रिप्लाई ब्लैक से हमें मतलब नहीं, हम हाईकोर्ट है, कंटेम अपने हिसाब से डील करेंगे। आई विल नॉट गो इन द प्रोसीजर, ये रिप्लाई में ये फाइल आया ये फाइल हुआ है, कंटेम इज माई जुरिडिक्शन माय लॉर्ड, एंड आई विल नो, आई नो हाउ टू डील द कंटेम प्रोसीडिंग्स, डोंट टेल अस माय लॉर्ड, वी आर नॉट सम योर स्टूडेंट्स। आप ये बताइए, कौन से घर में कंस्ट्रक्शन आपका बाय मैप बन जाता है किसी का घर का? आपका घर तोड़वाएं? शहर के बिलासपुर के सारे मकान जितने बड़े बड़े सब तोड़वा देते हैं, कौन से मेजरमेंट के हिसाब से बनते हैं? पर प्राइवेट मकान भाई वो अपने कैंपस में बना लिया है, यहां तक परमिसेबल है, वो अपने एक्सीड कर रहा है तो बात बताओ, लिमिट को क्रॉस कर रहा है तो बताओ। 60x40 का तो प्लॉट रहता है किसी का भी एक जी, उसमें भी अगर उसने 2400 से जगह 2200-2300 करा दिया तो क्या दिक्कत है आपको? आप अपने घर में खुश रहो, वो अपने घर में खुश रहेगा। ये सब ब्लैकमेलिंग का तरीका और कुछ नहीं है। और क्यों तोड़ेंगे ये? कितना पैसा खर्चा करके बनाया होगा आदमी, अपने अपनी अपनी प्रॉपर्टी बनाया ना जी, अपनी प्रॉपर्टी से बाहर थोड़ी ना किया है नहीं, फिर कोई चीज नहीं होगा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगी, कंटेम हम नहीं करते। अरे किसी ने अपने घर, आप बताओ आपके घर क्या, अच्छा आपका एक मिनट, आपका घर टाउन एंड प्लानिंग से मैं अप्रूव्ड है ना जी, मंगाइए नक्शा, मंगाइए और उसमें जितना एक्सेस होगा मैं तोड़ने का डायरेक्शन देता हूं फिर। अरे किसी का इंडिविजुअल का घर बन रहा है तो बनने दो, ये फोकट की नेतागिरी और ये सब कुछ नहीं है, ये व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए ये आइटम नहीं है सर। अप्रूव लेआउट और मैप के हिसाब से कोई नहीं अप्रूव होता, आपकी कौन सी बिल्डिंग अप्रूव्ड है बताइए जरा घर की, चलिए आज आप बता दीजिए कौन से घर आपका घर का बता दीजिए अप्रूव मैप से बना है क्या, बता दीजिए, चलिए बता दीजिए, हम आपकी हर इनके घर को नेस्तबूत करवा देंगे। जबरदस्ती पीछे पड़ोगे आप? बता दीजिए कौन सा घर आपका अप्रूव मैप से बनता है, बता दीजिए। ऐसा है मिस्टर चंद्राकर, मिस्टर चंद्राकर जब आदमी पावर रहता है तब सब उसको दिखता है ऐसे ही। आज हम आपके घर को तोड़वाते हैं जिसमें जो आउट ऑफ कंट्रोल बना हुआ है, जो इनकी बाउंड्री निकलवाओ, इनकी इनका भी पेपर बुलाओ भाई, ये कितना बनाया कितना नहीं बनाया इसको भी तोड़ेंगे फिर हम डायरेक्शन करेंगे आप सुप्रीम कोर्ट जाना। फालतू की अननेसेसरी का कंटेम ड्राइव करवा रहे हो आप लोग, हमको इसीलिए बुलवाए इनको जानबूझ के आज, ये देखने के लिए कि इसने आउट ऑफ जाके अपनी बाउंड्री से या अवैध कब्जे को अतिक्रमण तो नहीं किया? नहीं, अवैध अपने बाउंड्री से बाहर नहीं, बस फिर कुछ नहीं है, कोई कंटेम नहीं, जाइए, नो कंटेम इज मेड आउट, दी कंटेम प्रोसीडिंग इज ड्रॉप, दी रिस्पॉन्डेंट हैव कंप्लाइड द ऑर्डर, कंटेम प्रोसीडिंग इज ड्रॉप। कहता हूं किसी का घर आदमी का जी रहा है उसको जीने नहीं दोगे, चलिए ना हम लिखो भाई, द काउंसिल फॉर द पिटिशनर इज डायरेक्टेड टू फाइल द डॉक्यूमेंट ऑफ हिज क्लाइंट whether he has constructed the house in a approved map or not, file कीजिए, समझ में आ जाएगा अभी हमको फिर। मिस्टर इनके मार्क को भी मेजरमेंट कीजिए कितना तोड़ा, सबको तोड़िए फिर उनका भी, उनका तो नहीं लिया सर, हाँ अभी उनका भी बुलवाइए फिर देखते हैं, इस ज्यादा मत करवाइए कंटेम में, को ब्लैक मनी का वेपन मत बनवाइए, अपनी दुश्मनी के लिए नहीं करवाइए। Who are you? I'm Pratish. Yes, boliye.
Why are you, when your lawyer is there, why are you making submissions? No, sir. You are not required. You are not required. But there is drop.